So, hey guys, welcome back to our channel. और आज एक बार फिर से हम पोकेमोन एमराल्ड की अपनी जर्नी को कंटिन्यू करने वाले हैं। पिछले बार गाइस हमने पकड़ा था म्यू को और आज हम जाने वाले हैं एक नए आइलैंड में। हम तीन दिन से यार लगातार एक नए नए आइलैंड में जा रहे हैं, काफी मजा आ रहा है। और आज गाइस हम जाने वाले हैं डिओक्सिस को पकड़ने के लिए एक नए आइलैंड में। और इसे भी तुम्हें यहीं जाने के लिए सेम वही चीज करनी है, एक चीट कोड्स है। ये सारे इवेंट्स पहले हुआ करते थे पर अब हमें कोड्स का ही इस्तेमाल करना होगा। और गाइस मैंने पिछले बार भी पोकेमोन फायर एंड में डिओक्सिस को पकड़ा था यार, उस वाले में तो काफी टाइम लगा था, पर आज हम बहुत ही जल्दी पकड़ने वाले हैं। मेरे पास में कुछ स्ट्रेटजीज हैं, मैं कुछ नहीं करने वाला, लगातार कुछ बॉल्स का यूज करूंगा और कुछ अटैक्स का, और उसे कमजोर करके उसे पकड़ने वाला हूँ। ओके गाइस, तो हम आ चुके हैं एक नए आइलैंड में, देखते हैं कौन सा आइलैंड है। ओके, पर्थ आइलैंड। गाइस हमें तुम सभी को पता है यार, हम एक बार पहले भी यहाँ पर आए थे। ओके, तो मुझे ऐसे ही करना था, जहाँ तक मुझे इसकी पजल याद है मुझे ऐसे ही करना है साइड से। ओ नहीं, मैंने थोड़ी सी गलती कर दी। ओके, मुझे बैक आकर एक बार फिर से अच्छे से करना चाहिए। ओके, बहुत ईजी है गाइस अगर तुम लोग ध्यान से करो तो, पर मुझसे थोड़ी सी गलती होगी यार, मैं भी थोड़ा सा भूल गया हूँ। ओके, आई थिंक अब साइड से करना होगा हमें, और एक बार ऊपर, अब यहाँ से साइड से। ओके, अब यहाँ से भी। ओके, सही जा रहे हैं गाइस अभी तक तो, प्लीज़ अब कुछ गलती ना हो जाए बस। ओके, अभी तक तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ। ओ नहीं यार, गलती हो गई गाइस, मुझे लगा यार वहीं से जाना है, मुझे बिल्कुल भी याद नहीं था। ओके, अब मैं एक बार फिर से करने वाला हूँ गाइस, अब मुझे एकदम याद आ गया मुझे करना कैसे एग्जैक्टली। ओके, अब ऐसे करना है आराम से, यहाँ से साइड से। ओके नाइस नाइस, बस हो गया एक लास्ट। ओके गाइस, तो फाइनली कंप्लीट है ये पजल। पिछली बार वो डिओक्सिस थोड़ा अलग था, आई थिंक इसमें कुछ अलग डिओक्सिस होगा, उन्होंने हर गेम में कुछ अलग डिओक्सिस दिए होंगे। ओके, तो हमारे सामने है गाइस डिओक्सिस, पोकेवेंचर वर्सेस डिओक्सिस। ये हमारी सेकंड टाइम बैटल है इससे, पिछले गेम में एक बार हम इसे हरा चुके हैं, पकड़ भी चुके हैं, और दूसरे बार है ये। और गाइस आज मैं एक बार फिर से इसे पकड़ने वाला हूँ यार, अपनी टीम में रखूंगा इसे। पिछली बार हमारा नाम जादू था, तुम्हें याद हो तो, जिसने भी पोकेमोन फायर रेड देखा था उसे पता होगा हमने पिछले बार इसका नाम जादू दिया था, पर हमने इसे यूज़ नहीं किया था। ओके, यहाँ पर सिंपली यार मैं अपने पोकेमोन को चेंज करने वाला हूँ, क्योंकि तुम सभी को पता है एलिस का अटैक उतना ज़्यादा पावरफुल नहीं है हमारे एलिस के, और इस पर ज़्यादा काम नहीं आएंगे। फायर स्पिन बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर अटैक है और वो उसे फंसा भी लेगा अपने ट्रैप्ड में। ओके, तो इससे उसकी हेल्थ धीरे धीरे जाएगी, मतलब एकदम से नहीं जाने वाली, तो इससे मुझे फ़ायदा हो सकता है, और उसके बाद में मैं इसे आसानी से पकड़ सकता हूँ। उतने बार में यार गाइस ये आसानी से पकड़ में आ जाए तो ठीक है, वरना फेंटेड होने का भी खतरा है। तो अगर तुम सभी लोग इसे पकड़ रहे हो तो यार ऑब्वियसली तुम्हें सेव करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो यहाँ आने से पहले एक बार सेव कर लेना यहीं आसपास कहीं, और फिर उसके बाद में इसे पकड़ना, क्योंकि अगर एक बार ये चला गया ना तो दोबारा नहीं मिलने वाला है, ये एक इवेंट वाला है, तो फिर तुम चाहे कुछ भी कर लो ना तुम्हें ये नहीं मिलेगा। तो ऑब्वियसली यार तुम्हें इससे पहले से कुछ भी करके पकड़ना होगा। ओके, तो हम गाइस ऐसे ही कोशिश करने वाले हैं, और हमारा जो ट्रैप है ना, फायर ट्रैप, वो ज़्यादा देर तक भी नहीं रहेगा। फायर स्पिन का इफेक्ट थोड़ी देर तक रहेगा, जब तक उसकी हेल्थ बहुत ज़्यादा कम हो जाने वाली है, और तब तक शायद ये मेरी पकड़ में आ जाए। देखते हैं कितना टाइम लगने वाला है, वैसे मज़ा आने वाली है इसे पकड़ने में। ये सेकेंड टाइम है मैं डिओक्सिस को फिर से पकड़ूंगा। ओके, फायर स्पिन मैंने एक बार इस्तेमाल किया है, क्योंकि गाइस मुझे इसकी थोड़ी सी और हेल्थ कम करनी थी। ओके नाइस, जितनी मुझे चाहिए है ना बिल्कुल सेम उतनी ही हो रही है, ज़्यादा कम नहीं हो रही है। अगर हम दूसरे पोकेमोन से इस पर कोई भी अटैक करते तो अब तक यार ये एक बार में ख़त्म हो चुका होता, पर थैंक गॉड हमारे पास में कोई ऐसा पोकेमोन है जिसका अटैक उतना ज़्यादा पावरफुल नहीं है। अगर मैं दूसरे अटैक का यूज़ करता हूँ तो ये अब तक ख़त्म था, जैसे ओवरहीट हमारे पास में फायर और दूसरे भी हैं, पर फायर स्पिन सबसे सही है इस पर यूज़ करने के लिए। ओके गाइस, अब मुझे यार कुछ ना कुछ करना होगा, क्योंकि अब फेंटेड हो सकता है डिओक्सिस, बहुत ज़्यादा खतरा है यार। ओ नहीं यार, वो फंसा है यार, ये खत्म हो सकता है, प्लीज़ नहीं प्लीज़ नहीं प्लीज़ नहीं डिओक्सिस प्लीज़ नहीं। ओके थैंक गॉड गाइस, बच गई उसकी हेल्थ थोड़ी सी, और ये हमारा लास्ट चांस है यार। ओके, अगर वो फायर स्पिन, ओ नहीं यार वो फायर स्पिन फिर से ना हो जाए यार, प्लीज़ फायर स्पिन ख़त्म बस होनी चाहिए। ओके लास्ट बार था गाइस, ओ माई गॉड गाइस, तुम लोग देख रहे हो उसकी हेल्थ कितनी कम बची यार, 1 HP ओनली, ऑन 1 HP। ओके, अभी भी नहीं पकड़ में आया यार, 1 HP के बाद भी यार, ये तो खतरनाक चीज़ है। ओके थैंक गॉड गाइस, डिओक्सिस बाहर आ चुका है हमारे अटैक से, अब उसकी हेल्थ नहीं जाने वाली, ये एक अच्छी बात है। मुझे जितनी हेल्थ करनी थी ना बिल्कुल उतने पे रुक गई, देख रहे हो 1 HP पे रुक गई उसकी हेल्थ, बहुत सही हुआ। अगर उसे एक भी अटैक लग जाता ना इसके बाद में तो वो ख़त्म था।
पर थैंक गॉड मैं उसे आसानी से पकड़ सकता हूँ और इसके पास में रिकवर जैसे मूव भी नहीं है जिससे ये दोबारा रिकवर हो जाए, तो हमें आसानी होने वाली है, ज़्यादा मुश्किल बिल्कुल भी नहीं होगी, बिल्कुल हम इसे आसानी से पकड़ सकते हैं अब। ओके, बस वो मेरे ऊपर जितने भी अटैक कर रहा है यार, मुझे उनका कुछ भी असर नहीं होने वाला है क्योंकि मेरे पास में बीस्ट जैसा पोकेमॉन भी है। ओके नाइस गाइस, तो हमने इसे पकड़ ही लिया, बहुत ही जल्दी हो गया आज। ओके, पिछली बार मुझे थोड़ा सा टाइम लग गया था, बट इस बार यार हमने कमाल कर दिया, एक एलियन पोकेमॉन को हमने पकड़ लिया है, तो हम इसे फिर से नाम देने वाला है और तुम सभी को पता मैं इसे क्या नाम दूंगा, ऑब्वियसली यार जादू, क्योंकि ये जादू है। ओके आइला जादू। ओके पिछली बार जैसे यू कहाँ चला गया, ओके ये रहा यू। ओके गाइस, तो फाइनली हमारे पास में एक नया लेजेंडरी पोकेमॉन है, फाइनली यार हमारी कलेक्शन बहुत बड़ी हो चुकी है, तुम लोग देख रहे हो। अब यार हम पकड़ने वाले हैं, बस हमें कुछ और पोकेमॉन्स पकड़ने हैं, जैसे कि रेजिट्रियो हो गया और हमें ल्यूगिया और हो पकड़ने हैं। तो गाइस नेक्स्ट टाइम बताओ तुम्हें कौन से पोकेमॉन्स देखने हैं, हो और ल्यूगिया या फिर रेजिट्रियो, बताना मुझे कमेंट्स में। आज आई होप गाइस तुम सभी को मज़ा आया होगा यार, हमने फिर से एक बार बर्थ आइलैंड को देखा, ये अच्छी बात है, हमें इवेंट के दोबारा से करने मिल रहे हैं चीज़ें, इवेंट के पोकेमॉन्स हमें दोबारा मिल रहे हैं, तो ये एक बहुत अच्छी बात है। तो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, आई होप तुम सभी को मज़ा आया होगा, तुम्हें कुछ पता चला होगा। एंड यार अगर तुम सभी को यहाँ आने का कोड चाहिए तो ऑब्वियसली मुझे डिस्कॉर्ड पर ज्वाइन कर लेना। तो गाइस इस वीडियो को लाइक भी कर देना यार और सब्सक्राइब कर लो जो भी न्यू है, तो और भी ऐसी वीडियोज़ के लिए। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।